बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 में अच्छा नहीं कर पाए। ये लोग पहले राउंड से ही बाहर हो गए। इसके बाद से बाबर और PCB की खूब आलोचना हो रही है। एक पत्रकार ने तो बाबर पर मैच फिक्सिंग के आरोप तक लगा दिए। अब खबर है कि PCB इस पत्रकार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने वाली है। साथ ही एक खबर और है, कहा जा रहा है कि बाबर आजम अपने साथियों से नाखुश हैं, वो इनकी शिकायत PCB से करने वाले हैं। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक PCB पंजाब सरकार के एक नए कानून का सहारा लेने वाली है। इसके जरिए ये वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी प्लेयर्स पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने या व्यक्तिगत हमले करने वाले डिजिटल और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक्शन लेंगे। हाल ही में एक बड़े पाकिस्तानी पत्रकार ने कप्तान बाबर आजम पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे। इस मामले में PCB की एक सोर्स ने PTI से कहा कि बोर्ड का लीगल डिपार्टमेंट इस दिशा में काम शुरू कर चुका है। सोर्स ने कहा, इन लोगों से आरोप साबित करने या नए कानून के तहत एक्शन झेलने को कहा जाएगा। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली ने हाल ही में डिजिटल मीडिया और मानहानि से जुड़ा एक बिल पास किया है। इसके अंतर्गत अगर कोई डिजिटल जर्नलिस्ट या मीडिया पर्सन किसी पब्लिक फिगर के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाता है या व्यक्तिगत हमले करते हैं जिससे उस व्यक्ति को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़े, तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति को भारी जुर्माने के साथ जेल की सजा भी मिल सकती है। कानून ये भी कहता है कि इस मामले में फैसला 6 महीने में आ जाना चाहिए। दरअसल पाकिस्तानी पत्रकार मुबाशिर लुकमान ने हाल ही में बाबर पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप के मैच हारने के लिए बाबर को महंगे तोहफे मिले थे। लुकमान ने एक वायरल वीडियो में कहा था, कुछ दिन पहले ही बाबर आजम को एक ऑडी ई-ट्रॉन कार मिली थी। ये कमाल की कार है, मेरे पास भी है, लेकिन वो पछताएंगे जब बारिश में इसके इलेक्ट्रिक बोर्ड फटने लगेंगे। बाबर ने कहा था कि ये कार उनके भाई ने गिफ्ट की है, लेकिन मुझे पता चला है कि उनका भाई तो कुछ करता ही नहीं है। जब मैंने ये कार के बारे में पता किया तो एक सोर्स ने बताया, अगर आप अमेरिका, अफगानिस्तान, नीदरलैंड्स या आयरलैंड से मैच हारेंगे तो कार, दुबई में घर, ऑस्ट्रेलिया में प्लॉट मिलेंगे ही। वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी टीम में बड़े बदलाव होने ही हैं। PCB की ओर से ऐसे इशारे लगातार दिए जा रहे हैं। इस मामले में एक अपडेट ये भी है कि कप्तान बाबर कुछ प्लेयर्स से नाखुश हैं। उन्होंने इन प्लेयर्स की शिकायत करने का मन बना लिया है। हालांकि अभी तक इन प्लेयर्स के नाम सामने नहीं आए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।